गोपालगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि अब लुटेरे अपने पेशा बदल दिए हैं, यानी वो लूट कम अब तेल की लूट करने लग गए हैं। जब से तेल के दामों में वृद्धि हुआ है, ये लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने ऐसे दो लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी पिस्टल, एक कार, दो गोली और 8,000 रुपया कैश, 340 लीटर का खाली गैलन बरामद हुआ है। ऐसे में गोपालगंज के सदर SDPO ने बताया कि यह लुटेरे 30 अप्रैल को रात्रि में सदौवा स्थित एक पेट्रोल पंप से लगभग 750 लीटर डीजल का लूट किया था, जिसके बाद एक मामला दर्ज हुआ था और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ऐसे में इनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह काफ़ी सक्रिय है, रास्ते पर चलने वाले बड़ी वाहनों को भी रोक कर ये लोग उनका तेल लूट लिया करते हैं। इस गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुंदन कुमार और धीरज कुमार है। यह दोनों मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं। हालांकि कुंदन कुमार बताता है कि वहां पर लगभग लोग तेल चोरी, तेल लूट का कार्य करते हैं। ऐसे में वो लोग गोपालगंज में अब सक्रिय हो रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर लिया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वरना आपके भी वाहनों से तेल की लूट हो सकती है। पहले सुन लीजिए कि गोपालगंज के SDPO प्रांजल कुमार क्या बता रहे हैं। 30 तारीख को सिद्धवलिया थाना अंतर्गत एक केस रिपोर्ट हुआ, जहां पे रात में लगभग 12 बजे कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप पे घुसकर लूट किया, और लूट के दौरान उन्होंने लगभग 750 लीटर डीजल वहां से ले लिया और लगभग 7-8 हज़ार रुपये वहाँ के जो काम करने वाले कर्मी थे उनसे लूट लिया था। तो उसमें प्रयुक्त की गई एक स्विफ्ट गाड़ी थी तथा एक उन लोगों ने भय दिखा के देसी कट्टा दिखा के लूटा था। हम लोगों ने एक पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम सेटअप की गई थी SIT, जिसने तकनीकी अनुसंधान तथा मैनुअल इनपुट के द्वारा ये पता किया कि एक ग्रुप इधर सक्रिय है जो कि तेल पेट्रोल पंप से लूटता है। हम लोगों ने फिर इसी में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम लोगों ने दो लोगों को अरेस्ट किया है। एक का नाम है कुंदन कुमार, दूसरा है धीरज कुमार। कुंदन कुमार का ऑलरेडी वैकुंठपुर थाना अंतर्गत 2022 में ही एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर किया हुआ है और एक लूट का केस रजिस्टर किया हुआ है। ये अन्य जिलों में भी हाईवे पर ऐसे क्राइम्स इन लोगों द्वारा किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तथा साहबगंज थाना अंतर्गत। ट्रकों से भी लूट करते थे क्या ये लोग हाईवे पर? ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में इन लोगों ने बताया है। तो क्या क्या बरामद किया गया इनके पास से? बरामदगी में हमारे पास वो स्विफ्ट गाड़ी जो प्रयोग की गई है, वो एक देसी कट्टा, 3 12 बोर के बुलेट्स और गाड़ी की चाबी भी है हमारे पास। कैश भी सब कुछ? कैश लगभग 8,000 रुपये बरामद किया गया। बहरहाल पुलिस ने तो इनके दो सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर ही लिया है। ऐसे में लगातार यह सक्रिय हो रहे थे और ये चिंता का विषय बन रहा था। गोपालगंज में ऐसा पहली बार हुआ था जब तेल की लूट हुई हो। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हो तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और आपके क्षेत्र में भी कोई घटना होती है तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें।